हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। आज त्रिकोण मिति हम देखेंगे और त्रिकोण मिति के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, या आप कह सकते हो कि इसी हर एक टाइप, मतलब जो भी टाइप पूछा जा सकता है, मैक्सिमम चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, जिस भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सब कुछ हम देखने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी क्लास होने वाली है, तो जैसे कि आज पेपर जो हुआ था उसमें भी आप देख सकते हो कि त्रिकोण मिति से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। बाकी तो शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में वेरिएशन देखने को मिल ही रहा है। कभी किसी शिफ्ट में मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरे शिफ्ट में उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो फिर आपको पढ़ के तो सारा कुछ ही जाना है। ठीक है, तो चलिए त्रिकोण मिति में देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहला जो बेसिक चीज़, बेसिक पॉइंट आप कह सकते हो कि इसमें क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहली चीज़ क्या पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन देखिए दिया है, साइन ए। त्रिकोण मिति के जो फॉर्मूले हैं वो मैंने पहले की क्लास में रिवाइज करा दिया है सारा कुछ, जितना भी हो सकता है। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप फॉर्मूले जरूर देख लेना, उसके बाद यहाँ पर आना। ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप त्रिकोण मिति नहीं कर पाओगे। तो साइन ए अगर दिया है तीन बटे में पाँच, और यहाँ पर फिर क्वेश्चन में पूछ लेगा कि टेन ए बताइए। ठीक है, टेन ए बताइए। तो सबसे पहले साइन ए मतलब क्या हुआ, एक आप ट्रायंगल बना लो। ए एंगल मान लो ये है, ये मान लो बी है, ये सी है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो साइन ए आपको पता होगा अच्छे से, एल ए एल लाल बटे में कक्का होता है। ठीक है, तो साइन ए का मान होता है लंब बटे में कर्ण, तीन बटे में पांच। लंब क्या है ए के लिए, तीन है, और पांच क्या है, कर्ण है। टेन ए निकालना है, टेन ए होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, ए एंगल के लिए लंब बटे में आधार ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमें पता नहीं है, तो ये कैसे निकालोगे, समकोण त्रिभुज है, यानी कि क्या होगा समकोण त्रिभुज में, हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चार आ जाएगी। अब पूछ रहा है टेन ए, टेन ए मतलब लंब बटे में आधार, लंब कितना है, तीन है, और आधार क्या है, चार है। ये ए एंगल की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सीधा सीधा सा आपके पास आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता है, इस क्वेश्चन में पूछ सकता है जैसे कि सी एंगल से रिलेटेड कुछ पूछ ले, जैसे कि कॉस सी अगर मान लीजिए पूछ लेता है, यहीं पे क्या पूछता है, कॉस सी अगर पूछ ले, तो एक बात बताइए, कॉस सी निकालने के लिए आपको बेस और परपेंडिकुलर दोनों बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे, क्योंकि ए के लिए क्या था, आधार ये रहेगा, लेकिन सी एंगल के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कॉस सी मतलब क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तीन हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपका पांच। ठीक है, कर्ण जो है, हाइपोटेन्यूज जो है, वो दोनों चीजों के लिए, एंगल ए के लिए और एंगल सी दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। और यहां पे क्या पूछ सकता है, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया और पूछ लेगा कि, मान लीजिए यहां पे पूछ लेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है यहां पे, कि साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस सी, ऐसे कुछ गुणा करके बोल देगा कि इसको, इसका आंसर निकालो। ठीक है, ये चीज़ आपको दी हुई होगी। तो साइन ए का मान क्या है, तीन बटे में पाँच है। कॉस ए का मान अगर आप निकालना चाहो, तो ए एंगल के लिए कॉस सी मतलब आधार बटे में कर्ण, आधार ए एंगल के लिए चार है, और ये कर्ण क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, चार बटे में पाँच। कॉस सी का मान आपने निकाल लिया तीन बटे में पाँच, यानी कि तीन तिहाई नौ, और ये 36 हो जाएगा, और तीन तिहाई, हाँ, और फिर उसके बाद 125, 36 बटे में क्या हो जाएगा, 125 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ये एक चीज़ पूछ सकता है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। देखिए, पूछा यही सब जाता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप वो पढ़ के नहीं जाओगे तो वो कर भी नहीं पाओगे। तो चौथा क्वेश्चन जैसे कि आप देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ सकता है यहाँ पर, टेन पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू रूट थ्री, ये दिया हुआ है। यदि इतना बराबर इतना दिया है, तो कॉस अल्फा का मान बताइए, देन कॉस अल्फा का मान बताइए। ऐसा क्वेश्चन कभी भी दे कि कॉस अल्फा बताइए, ठीक है, टेन अल्फा बताइए, या थीटा जो भी दिया होगा, ठीक है, साइन अल्फा बताइए, या साइन स्क्वायर अल्फा बताइए, कॉस स्क्वायर अल्फा बताइए, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, अल्फा का अगर आप मान निकाल लेते हो, अल्फा का मान निकालोगे तभी तो कॉस अल्फा निकालोगे भाई, अल्फा ही नहीं पता होगा तो कहाँ से कर लोगे। तो अल्फा निकालने के लिए आप यदि वाली कंडीशन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, यदि इतना बराबर इतना, तो कॉस अल्फा का मान निकालिए, तो यदि वाली जो चीज दी हुई है उसको आप हल करके कॉस अल्फा निकालो, कॉस नहीं अल्फा सिर्फ निकालो, तो ये क्या होगा, टेन इतना बराबर रूट थ्री है। तो एक बात बताइए, रूट थ्री टेन के कितने मान के बराबर होता है, हम कह सकते हैं कि टेन 60 का मान क्या होता है, करने में तीन होता है, ठीक है, और ये क्या है, टेन इतना है, तो टेन से टेन हट जाएगा, बचेगा क्या, पाई बटे में दो माइनस अल्फा बटे में दो बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश। ठीक है,
पाई का मान हमेशा हम क्या रखते हैं यहाँ पर 180 डिग्री रखते हैं। पाई बराबर क्या होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर अगर देखो तो 180 बटे में 2 यानी कि क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, माइनस अल्फा बटे में 2 बराबर क्या हो जाएगा 60। तो 90 यानी अल्फा बटे में 2 बराबर हो जाएगा 30 और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। अब अल्फा निकल आया तो कॉस अल्फा आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा कॉस 60 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो 1/2 क्या हो गया आपका सीधा सीधा सा आंसर निकल के आ गया। ठीक, तो ऐसे भी ये चीज पूछ लेता है। अब और क्या पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, तरीका यही होगा क्वेश्चन को पूछने का, बस क्वेश्चन का आप कह सकते हो पैटर्न तो यही होगा लेकिन क्वेश्चन बदल देंगे। पांचवा देखिए क्वेश्चन, जैसे कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है गुणे के फॉर्म में कॉस 1 इंटू कॉस 2 इंटू कॉस 3, इस तरीके से जाते जाते ये कहाँ जा रहा है कॉस ऑफ 180 डिग्री तक। अब पूछ रहा है इसका मान निकालो, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, ठीक है कॉस 0 दे सकता है, ठीक है कॉस मतलब कोई और भी वैल्यू दे सकता है, गुणे के फॉर्म में दे देगा आपको, लेकिन आपको क्या करना है उसी को सॉल्व करना है। उसमें छोटी सी ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है, सिर्फ बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स लगती हैं और उन्हीं ट्रिक्स से आप क्या कर सकते हो इनको सॉल्व कर सकते हो। तो कॉस 1 कॉस 2 कॉस 3, एक बात बताइए गुणे के फॉर्म में है ये लगातार जा रहा है कॉस 180 तक, यानी कि हम कह सकते हैं कि बीच में कहीं कॉस 90 भी आएगा, कॉस 90 भी बीच में आएगा ना, 1 से लेके 180 तक जा रहा है यानी कि बीच में 90 डिग्री भी आएगा। तो कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है, इसका मान क्या होता है 0। और अगर 0 का मान किसी चीज़ में भी गुणा करोगे, किसी भी नंबर में किसी भी वैल्यू में गुणा करोगे तो उसका आंसर क्या होगा 0 होगा, यही इसका क्या है आंसर है। तो आप देख सकते हो कितना छोटा सा क्वेश्चन था। और क्या पूछ सकता है यहाँ पर, और देखिए ज़रा, और यहाँ पर पूछ लेगा जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 6 नंबर का देखिए, यहाँ पे दिया है 10² π/4 माइनस कॉस स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू एक्स साइन π/4, उसके बाद दिया है कॉस π/4 10π/3। तो यहाँ पे पूछा है x का मान बताइए, ये चीज़ दी है x का मान पूछ रहा है, वही चीज़ है जैसे कि वहाँ पे cos अल्फा पूछ रहा था, यहाँ पे आपको क्या करना है x निकालना है। तो इसी कंडीशन को आपको लेके चलना है और उसके बाद x का मान निकाल देना है। अब मैंने पहले ही बताया था पाई मतलब होता है 180, तो 180 बटे में 4 यानी कि क्या हो गया 10² 45। 10 45 का मान होता है 1 और ये क्या है स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो भाई, ठीक है। कॉस स्क्वायर π/3 मतलब 180/3 और यानी कि हो जाएगा कॉस 60 अंश। 60 अंश का मान क्या होता है 1/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा है इसको भूलना नहीं है। x साइन π/4, π/4 मतलब क्या हो गया अगेन क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, साइन 45 मतलब हो गया आपका 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका कॉस π/4, ये भी क्या हो जाएगा 1/2। अब 10π/3 तो ये क्या हो जाएगा 10 60 का मान, ये क्या हो जाएगा करनी में 3, ठीक है। 10π/3 यानी कि 10 60 और इसका मान करनी में 3 हो जाएगा, तो 1 - 1/4 हो जाएगा x गुड़े में करनी में 3/2, करनी में 2 इंटू करनी में 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 3/4 बराबर √3/2 इंटू x, ये कितनी बार में इतनी बार में चला गया, तो x का मान क्या हो जाएगा जब इधर ले आके काटोगे तो करनी में 3/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। √3/2 क्या हो जाएगा x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यही क्या है सीधे सीधे सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है इसमें त्रिकोणमिति में, यहां पर है कि जैसे मान लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, अगर दिया है इफ tan थीटा 1 बराबर 1 है sin थीटा 2 बराबर 1/2 है, तो बोल रहा है साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 निकालो। अब एक बात बताओ, फिर से वही है कि ये यदि वाली कंडीशन दे दी है और उसके बाद बोल रहा है कि इसका मान निकालो। साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले साइन छोड़ो, पहले थीटा 1 थीटा 2 निकालोगे तभी तो साइन की वैल्यू निकाल पाओगे। तो थीटा 1 थीटा 2 कैसे निकालोगे, ये आपके पास दोनों कंडीशन दी हुई है। तो टेन थीटा 1 बराबर 1 है यानी कि हम लिख सकते हैं टेन थीटा 1, 1 किसका मान होता है 10 में 10 45 डिग्री का होता है, तो ये हो गया 10 45। तो थीटा 1 का मान क्या हो गया 45 अंश हो गया, क्लियर है बात।
अब यहाँ पर साइन थीटा टू अब एक बटा करनी में दो, यानी कि साइन के किसके मान का एक बटा करनी में दो मान होता है, यानी कि यह कह सकते हो कि साइन 45 का मान क्या होता है, एक बटे करनी में दो होता है, यानी थीटा टू यहाँ पे निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। अब आपके पास थीटा वन है, थीटा टू है, साइन थीटा वन प्लस थीटा टू निकल जाएगा या नहीं, साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू, थीटा वन क्या है 45 है, ये भी क्या है 45 है, साइन क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और साइन 90 मतलब 1 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये एक चीज हो गई। और यहाँ पे क्या पूछ सकता है त्रिकोणमिति में, और क्या पूछ सकता है, देखिए जितनी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो मैं सारी बहुत ही जल्दी और शॉर्ट तरीके से कराने की कोशिश कर रही हूँ। बस फार्मूला ध्यान रखना, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, बहुत ऐसा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इसका। 8वां नंबर देखिए, यहाँ पर है साइन थीटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा बटे में दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मान निकालना है। अब एक बात बताइए, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है आपको कि कॉसेक थीटा क्या होता है, एक बटे में साइन थीटा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा ये एक बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा है, टेन थीटा, और ये कॉट थीटा को एक बटे में क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा एक, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ये हमें पहले से पता है, एक बटे में एक बराबर एक क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। तो वन क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा था, और सॉल्व करने पर आपको बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन देखने में लगते हैं कि थोड़े से हैं मतलब भड़कीले टाइप के, लेकिन होता इनमें कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एक बटे में क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस एक बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मान निकालना है। अब अगर जिनको फार्मूला पता होगा वो बहुत आराम से कर ले जाएंगे, जिनको फार्मूला नहीं पता होगा उनका तो भाई देखिए कुछ हो ही नहीं सकता इसमें। तो एक बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, वो होता है sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा ये होता है cosec थीटा के बराबर। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 upon sec स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, तो 1 upon sec स्क्वायर थीटा, अब इसका उल्टा कर दो, तो sec है 1 बटा sec, sec का उल्टा क्या होता है, cos होता है। ठीक है, cos स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस 1 बटे में cosec है, तो ये क्या होगा यहाँ पर, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सीधा सीधा सा क्या हो गया, ये आंसर निकल के आ गया। तो ये भी एक क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन, 10th में क्या कह रहा है, यदि दिया है, यदि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1/3, देन क्या निकालना है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है या नहीं पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ पे पावर 4 है तो आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। अब बराबर किसके है, 1/3 के बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान क्या होता है, 1 होता है, गुणे में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3। अब आपको निकालना क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है। और अब आप देखो यहाँ पर आपको कुछ उम्मीद दिख रही है कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पे मतलब थीटा निकाल सकते हो, थीटा कैसे निकालोगे, अगर यहाँ पर अगर आप मान लीजिए साइन को इधर भी ले आते हो तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, और इधर भी कोई ना कोई थीटा वाला टर्म आ जाएगा, तो कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली ये चीज़ है, ट्रिक यहाँ पर ये लगाना है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है, और हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है किसके बराबर, 1 के बराबर। अब दोनों समीकरण को जब हल कर दोगे तो 2 cos² θ इज इक्वल टू क्या होगा, 1 plus 1/3, यानी हम कह सकते हैं 4/3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 और 2 से ये यहाँ 2 बार में जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2/3, 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप इस तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर है बात। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, और कैसे पूछ सकता है, 11th नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन
स्क्वायर 27 बटे में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देख के। क्या करोगे यहाँ पर, जो चीज़ है इसको पहले साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 27 को अगर मैं कहूँ कि 90 माइनस 63 लिखा जा सकता है तो यहाँ पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 17 ऐसे ही रहने दो। अब कॉस स्क्वायर 73 को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 17 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर 63 तो ऐसे ही रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा ए सी टी एस मैंने बताया था इसमें ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 90 अगर आएगा तो साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, ये क्या हो गया 63 बटे में, ये क्या है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस का क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इसमें हर एक चीज़ क्या होती है पॉजिटिव होती है, लेकिन कॉस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 17। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या हो गया एक, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी हो गया एक, एक बटे में एक बराबर एक क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो ऐसी ही कुल मिला के चीज़ें पूछी जाएंगी। ये क्लास जो है जो छोटी छोटी आ रही हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप पेपर दे के आओगे, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं, जितना अगर थोड़ा भी दिमाग खोल के करोगे यहाँ पर पढ़ोगे तो वहाँ पे ज़रूर जाके सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, ठीक। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी क्विक रिवीजन की जो प्लेलिस्ट है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।